पीकिंग के तिएनानमेन चौक पर चीन के स्टालिनवादी शासकों द्वारा किए गए जघन्य हत्याकांड को 3 दशक पूरे हो गए हैं। 4 जून 1989 को माओवादी ब्यूरोक्रेसी ने छात्रों मजदूरों के प्रदर्शनों पर भीषण दमन किया था। चीन की जनमुक्ति सेना के 40,000 सैनिकों ने मेहनतकश जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को सैनिक टैंकों के नीचे रौंदते हुए एक ही दिन में 6,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों की पूर्व नियोजित और निर्मम हत्या को अंजाम दिया था। इस दमन के जरिए, जिसकी इतिहास में दूसरी मिसाल तक मिलना मुश्किल है, चीन के माओवादी शासक अपनी प्रतिक्रियावादी शासन को सुरक्षित कर सके थे। ये प्रदर्शन दरअसल एक देश में समाजवाद के स्टालिनवादी फर्जीवाड़े की रूस और पूर्वी यूरोप के बाद चीन में घोर असफलता से जुड़े हैं। इस असफलता से पैदा हुए संकट को हल करने के लिए चीन के माओवादी शासक डेंग शियाओपिंग के नेतृत्व में तेजी से मुक्त बाजार की ओर मुड़े थे। डेंग का यह बाजार समाजवाद माओ के उस राष्ट्रीय समाजवाद की ही अगली कड़ी और उसकी निरंतरता था जिसने पिछले 4 दशक चीनी मजदूर वर्ग का गला घोंटा था और उसके गहन शोषण पर राष्ट्रीय आर्थिक विकास का एक समूचा मॉडल खड़ा किया था। माओ के राष्ट्रीय समाजवाद की असफलता ने ही चीन के माओवादी शासकों को तेजी से बाजार की ओर घूमने के लिए विवश किया था, जिसके परिणाम विस्फोटक थे। माओ का राष्ट्रीय समाजवाद और डेंग का बाजार समाजवाद दोनों ही वाहियात बाजारू समाजवाद के मॉडल थे, जो विश्व पूंजीवाद से मजबूती से बंधे थे और उसके मातहत थे। सामाजिक समानता और न्याय की डींग हांकने वाले चीन के माओवादी शासकों के शासन में चीन दयनीय और कमरतोड़ जीवन स्थितियों में काम कर रहे करोड़ों करोड़ मजदूर किसानों के महासागर के ऐन बीचोंबीच दुनिया के बड़े खरबपतियों की सबसे बड़ी संख्या का घर और सामाजिक विषमताओं का अड्डा बन गया। बाजार समाजवाद को अंगीकार करते चीन तेजी से महंगाई, भ्रष्टाचार, वेश्यावृत्ति, नशे, जुआ, अपराध और जमाखोरी जैसी पूंजीवादी बीमारियों की चपेट में आ गया। इन नारकीय स्थितियों के साथ साथ जो पिछड़े पूंजीवादी देशों में आम हैं, चीन में लाल झंडे की आड़ में छिपी माओवादी ब्यूरोक्रेसी का दमघोटू शिकंजा भी मौजूद है, जो जनविरोधी शासन के विरुद्ध किसी भी विरोध को असंभव बनाते हुए चीन को मजदूरों, मेहनतकशों और युवाओं के लिए जीवित नरक कुंड ही बना देता है। इस सब के विरुद्ध पैदा हो रहे जनाक्रोश को दबाने के लिए चीन के शासकों के पास नृशंस दमन के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने वही किया। माओवादी ब्यूरोक्रेसी ने हर तरह की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया और प्रतिरोध को
असंभव बना दिया। भ्रष्ट, लुटेरे और दमघोटू माओवादी शासन के विरुद्ध जून 1989 में राजधानी पेकिंग में प्रदर्शन शुरू हुए, जो चीन के लगभग 350 शहरों में फैल गए। छात्रों द्वारा शुरू किए गए इन प्रदर्शनों की प्रतिध्वनि चीनी सर्वहारा के बीच हुई, जिससे चीन के माओवादी शासक बुरी तरह घबरा गए। अकेले पेकिंग के तिएनानमेन चौक पर ही 20 लाख से अधिक छात्र, युवा, मजदूर जमा हो गए। बदहवास माओवादी शासकों ने क्रूरतम दमन का सहारा लेते हुए पहले तिएनानमेन चौक और फिर पेकिंग और उसके आसपास उपनगरों में 6,000 से अधिक प्रदर्शनकारियों को टैंकों के नीचे रौंद डाला या गोलियां मार दी। दुनिया भर की स्टालिनवादी माओवादी पार्टियों ने सुधार, आजादी और लोकतंत्र की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर चीनी माओवादी ब्यूरोक्रेसी के इस नशंस दमन का भरपूर समर्थन किया। इस दमन के 3 दशक बाद भी इसकी स्मृति चीनी शासकों के दिलों में खौफ पैदा करती है। इस वर्ष तिएनानमेन की 30वीं वर्षगांठ पर चीनी शासकों ने देश भर में पुलिस सतर्कता को बहुत कड़ा कर दिया था और तिएनानमेन चौक को पुलिस शिविर ही बना दिया था। चीन के माओवादी शासन के विरुद्ध चीनी युवाओं और मजदूरों का यह वीरतापूर्ण संघर्ष इतिहास में अमर रहते चीन के स्टालिनवादी शासकों के लिए भय और मजदूरों युवाओं की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का अजस्र स्रोत बना रहेगा। आज जबकि चीन की अर्थव्यवस्था पतन की ओर अग्रसर है, अमेरिकी दबाव उसके लिए नया संकट खड़ा कर रहा है, जिसके चलते चीनी शासकों को अपना सैनिक खर्च तेजी से बढ़ाना पड़ रहा है और बची खुची सामाजिक कल्याण योजनाओं से भी हाथ खींचना पड़ रहा है, इससे राजनीतिक संकट की नई जमीन तैयार हो रही है। आंतरिक और बाह्य संकट के 2 पाटों के बीच फंसे चीनी शासन का अंत सन्निकट है। इस समय चीनी सर्वहारा के समक्ष कार्यभार है चीनी शासकों के इस संकट का समुचित वर्गीय उत्तर प्रस्तुत करना, चीनी मजदूर वर्ग को मजदूर किसान सरकार की स्थापना के लिए अपने समाजवादी कार्यक्रम के गिर्द, चीन के स्टालिनवादी शासकों के विरुद्ध व्यापक प्रतिरोध आंदोलन का निर्माण करना चाहिए। चीन के स्टालिनवादी शासन का तख्ता उलटने के लिए राजनीतिक संघर्ष के उद्देश्य से चीनी मजदूर वर्ग को स्टालिन माओ के छद्म समाजवाद से पूरी तरह संबंध विच्छेद करते हुए सतत क्रांति के उस कार्यक्रम की ओर मुड़ना चाहिए, जिसने युगांतरकारी सफल अक्टूबर क्रांति की दिशा तय की थी।是否离